हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ीसा व्लॉग और सुनी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज ना कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा का दिन। तो आज सुबह हम लोग नहाकर बोट लेकर पानी में बहा दिया। तो उसके बाद हम आके यहाँ पर बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज का वीडियो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह का मैंने वीडियो भी शेयर नहीं किया कि रिकॉर्ड भी नहीं किया, शूट भी नहीं किया। तो जब मैंने गया था जो बोट को लेकर, क्या बोलते उसको, शायद नहीं सरी। और आज ना आप लोग कैसे बनाए, मैं तो इस तरह थोड़ा दिया जला कर ऐसे ही बना मनाया कि मैं आप लोगों से पहले नेक्स्ट ईयर शेयर भी किया था। आप लोग बोलोगे तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो आप लोग कैसे बनाए, तो आज पालन किया तो मेरे साथ शेयर करना ज़रूर। और चलो अभी हम चलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और नाश्ते में आज शायद आलू का पराठा बनाऊंगी। तो आलू का पराठा रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया शायद आप लोगों से, मुझे याद नहीं है। तो मैंने रेसिपी भी शेयर नहीं करूंगी, बस कुछ मैंने बनाना दिखाऊंगी लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। रेसिपी मैंने शेयर कर लिया शायद, याद नहीं है, तो यह मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। चलो अभी बनाते हैं, मम्मी क्या कर रही है अब देखेंगे। देखिए मैं आ गई अभी किचन में, ये मेरा किचन है और मैं आ गई। मम्मी यहाँ बैठकर पराठा बेल रही है बेलन से। और मैंने यहाँ तवा बैठा दिया था, तो मैंने सारे चीज़ यहाँ निकाल कर रखी थी, तो उसको मैं रख रही हूँ ऊपर सेल पे। और तवा बैठा दिया था, तवा गर्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर एक पराठा डाल दिया। मैं बहुत सारे इधर उधर के जो बहुत तरीके से पराठा बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ फोल्ड वाला ही बना रही हूँ, एक साइड वाला, जैसे आप लोग देख रही हो। नहीं तो कभी कभी राउंड शेप में, कभी कभी त्रिभुज की शेप में, कभी स्क्वायर शेप में। तो आज ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि पापा बैठे हैं खाने के जाने के लिए और बहुत टाइम भी हो गया सुबह का। सब बहुत पहले उठ गए थे रात से, रात के 3 बजे हम लोग सब लोग उठे थे। तो सारे काम ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर अभी पराठा बना रही हूँ। अभी 7:30 हो चुका है, तो सबको भूख लग रही है। कभी कभार तो उठते नहीं है, लेकिन आज तो बहुत फास्ट उठ गए तो सबको भूख लग रही है। और श्रीनो भी बैठा है खाने के लिए। और लक्की नहीं है, लक्की बाहर गया है मंदिर में, तो आने के बाद वो भी खाएगा। अभी यहाँ पर बैठ के मम्मी पापा और मैं बात कर रही हूँ और पराठा भी बना रही हूँ। आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करने को बिल्कुल भी भूलिए। सॉरी उड़िया हो गया, क्योंकि मैं उड़िया भी हूँ। कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे जाने के लिए उत्साह देती है। तो और मेरे चैनल पर जो न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मेरे से बात भी कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उड़ीसा ब्लॉगर्स सुनी, आप लोग चाहो फॉलो करो। देखो मैं यहाँ पर दूसरा भी पराठा, मैं आप लोगों के साथ पराठा शेयर नहीं किया, कभी और दिन शेयर करूँगी। मैं कच्चा आलू का पराठा आप लोगों से शेयर किया था और ये बॉयल किया हुआ आलू है, तो मैंने शेयर नहीं किया और कभी शेयर करूँगी। आज टाइम नहीं था तो इसीलिए मम्मी बना रही थी, तो मैंने सोचा नहीं अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए छोड़ दिया, वीडियो स्किप हो गया। तो अभी मैं पराठा बना रही हूँ। ये
ये यूट्यूब का सफर ना बहुत मुश्किल है, और इसका इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यूट्यूब का सफ़र मेरा कैसा था, मेरा जर्नी कैसा था, और एक गुड न्यूज़ भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो रुको, मैं दे दूंगी आप लोगों को गुड न्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं पर बैठ के थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। मैं सोचा कि चलो, पूर्णिमा का दिन है तो आप लोगों से थोड़ा बातचीत भी हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा ही वीडियो बना लिया। और देखो, यहाँ पर मैंने ड्रेस भी पहना है, साड़ी तो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, ड्रेस ही पहनती हूँ। और आज पूर्णिमा का दिन था, बाहर गई थी मंदिर में, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस, व्हाइट वाला ड्रेस पहन लिया। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक जो क्या पानी भात खाने वाला, जो हमारा मैरिज से पहले होती है, बुलाते हैं लोग, लड़की और लड़का को बुलाते हैं घर पे खाने के लिए, तो उसी का वीडियो में मैंने एक ड्रेस पहना था, वो मेरा लॉन्ग ड्रेस है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पापा से बात कर रही हूँ, पापा से पूछ रही हूँ कि पापा और चाहिए, तो पापा मना कर रही है, फिर भी देखती हूँ। पापा को लेकर एक और दे दूँ। ये पराठा जो होती है ना, वो गरम गरम खाने में ही मज़ा आती है, तो बिल ठंडा होने से ना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना कर देती हूँ एक एक पापा को। पापा जाएंगे रिक्शा लेकर, तो लेट हो जाएगा आने में, और भूख भी लग रही है। यहाँ पर देखो, श्रीनू का भी हो गया बिना तीखा वाला, तो वो भी खा रही है बहुत मज़े से। आज बोल रही थी, मम्मा बहुत टेस्टी बना है। और यहाँ पर देखो, मैंने भी मम्मी भी यहाँ पर कर रही है, बेल रही है, ये ख़त्म होने को हुए, लेकिन मैंने फास्ट से नहीं बनाया था, अभी ख़त्म होने वाली है। देखो, हम ये भी हमारा पराठा सब बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग ऐसे बनाओ खाओ। आज तो मेरा पूर्णिमा का दिन ऐसा रहा। और दोपहर को देखो, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ बना है, तो सब लोग खा रही है और मस्ती भी कर रही है। मम्मी देखो, यहाँ श्रीनू को खिला रही है, वो हाथ से नहीं खा पा रही थी, तो इसलिए कितने सारे डिश आज बना है पूर्णिमा का दिन। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।